जय श्री सीताराम। वर्ष 2022 के पहले साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक का ये जो वक्त है, इस बारे में बात कर रहे हैं। कैसा होगा आपके लिए वर्ष का सबसे पहला सप्ताह, जानिए, मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले, सबसे खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, आपको जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि ये महज ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई आप खुद ही सोचिए, आपकी कुंडली तो है नहीं हमारे पास, कुंडली में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तब जाकर के एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपके लिए, आपके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन आपकी राशि जरूर है हमारे पास, भाई मेष से लेकर मीने तक कोई तो एक राशि होगी आपकी, तो उस राशि के आधार पर आपको यह बताया जा सकता है कि ग्रहों के जो गोचर हैं, उस राशि की एक कुंडली बना लेंगे और उसके आधार पर ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होंगे और उस आधार पर फिर आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा, ये आपको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। जानना बहुत जरूरी है, राशिफल भविष्यफल जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह तो घर बैठे पता चल जाता है कि कम से कम ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपके लिए क्या कैसा समय आ रहा है, क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा। तो आपके लिए राशिफल भविष्यफल जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखा कीजिए कि यदि जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, कोई बड़ा डिसीजन है, तो आप कुंडली विश्लेषण जरूर से करें, उसके बाद ही उस डिसीजन को लें। छोटे मोटे डिसीजन हैं या छोटे मोटे कुछ बातें हैं तो उसके लिए राशिफल आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके लिए क्या राशिफल, क्या भविष्यफल होगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए यह वक्त जो है खर्च होने की चिंताओं से भरा हुआ हो सकता है। 100 आया, 110 गया, ऐसी स्थितियां कहीं आपको जो है वो सता सकती है। अच्छा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं निवेश किया, किसी को पैसा उधार दिया या कहीं से पैसा उधार लिया, तो दिया गया पैसा जल्दी से आप ले ना पाए और जो लिया गया पैसा है उसे देने में थोड़ी सी आपको जो है वो दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ये एक बात मुझे यहां पर दिखती है। इस बात का जरा आप ध्यान रखें। और ध्यान कैसे रखेंगे? तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सही से अपने फाइनेंस का आप मैनेज करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में आपको नहीं करना है, इस बीच में किसी से पैसा नहीं लेना है, नहीं किसी को पैसा देना है, उधार भी नहीं देना है, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात भी बताता हूं। अच्छी बात यह है कि नए दोस्त मिले, नए रिश्तेदार बने, ऐसे युग भी हैं। अब नए दोस्त नए रिश्तेदार कैसे बन सकते हैं? भाई आप या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हो, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यदि ये भी हो सकता है कि आप प्रेम प्रसंग में भी आए और प्रेम प्रसंग में ऑलरेडी यदि आप हैं, पहले से भी हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो भी आप जो हैं वो दे सकते हैं विवाह का रूप। कई बार होता है मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चल रहे होते हैं, प्रेम प्रसंग
को विवाह का रूप देना कई बार मुश्किल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार मैं एक बात ये भी पाता हूँ, लड़कियां लड़के अपने माँ बाप, वो माँ बाप जो जो क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, उनको धोखा दे करके निकल जाते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, इस बात का मैं हमेशा विरोध करता रहता हूं। माँ बाप को भी समझना चाहिए लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए। तो यहां पर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह का रूप अपने प्रेम प्रसंग को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ऐसे हालात ऐसे योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। लाभ के योग भी हैं, ये लाभ धन में लाभ हो आपको, आपके आपके प्रतिष्ठा में आपको लाभ मिले, आपके सम्मान में आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। तो ओवरऑल मैं मेष राशि के लिए कह सकता हूं कि खर्चों को यदि छोड़ दिया जाए तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, उपलब्धि कारक है, आपको सफलता दिलवाने वाला है। ठीक है, मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, खास तौर पर यह वक्त मुझे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं तो यदि रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको कहीं सफलता देखने को मिलेगी। इस विषय में अच्छा समय है। अच्छा, एक और बात, यदि कहीं आप नौकरी करते हैं, यदि कहीं आप व्यवसाय भी करते हैं तो नौकरी में या तो आपकी उन्नति हो, पदोन्नति हो, इंक्रीमेंट हो, या फिर आपको जो है वो किसी प्रकार से कोई तारीफ मिले या आपको सराहा जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। व्यवसाय में भी आपकी उन्नति हो, आपको सराहा जाए, आपकी तारीफ हो, ऐसा मुझे दिखता है। बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही, यदि आप यात्राएं नहीं कर रहे हैं और कोई आपका उद्देश्य है जो यात्रा करके पूरा हो सकता है तो मैं आपको कहूंगा कि यात्राएं करें, क्योंकि यात्राओं से आपका कोई दूसरा काम है, दूसरा आपने काम लेकर के रखा है और ऐसा कुछ आपने अपनी यात्राएं टाल के रखी है, ये वक्त आपकी यात्राओं से लाभ दिलवाने वाला है। दूसरे कामों को टाल दीजिए, यात्रा जरूर करिए और वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाइए। किसी प्रकार का काम हो सकता है, नौकरी का, बिजनेस का, अपना आपके स्वास्थ्य का, आपके परिवार का। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, आज कंसल्टेशन दे रहा था मैं और पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होता था तो मैंने उन्हें उज्जैन जाने के लिए कहा, मंगलनाथ जी के मंदिर में मंगल भात की पूजा करने के लिए कही। वो उन्हें मैंने करीब 1.5 या 2 साल पहले से कह करके रखा हुआ है, उनकी शादी को 4 साल करीब करीब हो चुके हैं, 1.5 या 2 साल पहले से मैं उन्हें कह करके रखा हूँ जाना है जाना है जाना है। आज भी वो मेरे पास आए लेकिन नहीं गए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, यदि कोई काम रुका हुआ है जो यात्रा करके हो जाए, अब वो दूर रहते हैं कहीं तो उनको यात्रा करनी पड़ेगी इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो जो भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, आध्यात्मिक हो, वो पारिवारिक हो, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, वो आर्थिक हो, वो पढ़ाई का हो, यात्रा करके आपका काम पूरा होगा, ऐसा मुझे दिखता है। मान सम्मान के योग खैर मैंने बता ही दिए, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी मुझे दिखता है और उस वजह से आप जो है इस समय को अच्छा इंजॉय भी कर सकते हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि दो प्रकार का पहला तो आपके धन
आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति से लाभ करवाने वाला समय है, और दूसरा पारिवारिक दृष्टिकोण से या मानसिक दृष्टिकोण से परेशान करने वाला समय है। अब कैसे, मैं थोड़ा समझा देता हूं। यदि कहीं प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं या लेकर के रखी थी, बेचना चाहते हैं या ऑलरेडी है, तो उसमें आपको लाभ जरूर से मिल जाएगा। बेचने में लाभ मिल जाएगा, खरीद रहे हैं तो उसमें आप खरीद पाएंगे, वहां पर भी लाभ का होगा। और यदि ऑलरेडी रखी हुई है तो उसमें इजाफा आपको देखने को, उसके उसकी उसकी वैल्यू में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप कहीं करते हैं तो आपके धन में उन्नति हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। धन में, लाभ में, प्रतिष्ठा लाभ भी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। खास तौर पर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, जो बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन्स हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा खासा मुनाफा करवाता हुआ ये वक्त नजर आता है उनके लिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये समय बहुत अच्छा है, मजबूत है, नई उपलब्धि दिलवाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेदों को भी पैदा करने वाला ये वक्त है। पारिवारिक तौर पर मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो यहां पर आपको ध्यान जरूर से रखना है। देखिए, कई बार मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वाद विवाद जरूरी है, वाद विवाद जरूरी है, मतभेद जरूरी है, लेकिन किससे करना है ये तो ध्यान रहे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ गलत कर रहा है तो हमें उससे मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा। लेकिन हम उन्हीं के साथ कई बार वाद विवाद कर बैठते हैं, मतभेद कर बैठते हैं, जो कि हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए ही जिनका सब कुछ सुबह है और रात है। तो ये तो हम समझे कि हम किससे मतभेद और वाद विवाद कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ या परेशानी, तो पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स के मुझे योग दिखते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने कहा ना कि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है, तो मैं एक बात यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि यदि कहीं पैतृक संपत्ति है आपकी, पैतृक संपत्ति के आप हकदार हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो हो सकता है कि जो दूर के रिश्तेदार है, कई बार भाई पैतृक संपत्ति पाने में कई बार मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो दूर के रिश्तेदारों से होते हैं, तो चलिए वो उतना मायने नहीं रखता। खैर, वसुधैव कुटुंबकम, तो जितना हम सबसे प्रेम से रहें उतना अच्छा। लेकिन ठीक है, महाभारत युद्ध भी जो है वो काका और बाबा के भाई बहनों में, भाइयों में ही हुआ, ठीक है, अब होने को कोई नहीं डाल सकता। लेकिन कम से कम जो जो डायरेक्ट परिवार है, माता पिता, सगे भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, जो डायरेक्ट परिवार है, वहां मतभेद प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यदि भवन बनाना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है, कर सकते हैं। निवेश करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको लाभ दिलवाएगा यदि इस वक्त आप निवेश करते हैं तो। यदि ऑलरेडी यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में निवेश आप करना चाहते हैं, बिजनेस को आप और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे भी मुझे यहां पर आपके लाभ के योग दिखते हैं। मित्रों का सुख, मित्रों का साथ, मित्रों का सहयोग आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आप यदि कहीं किसी कार्य में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो मित्रों का सहयोग जरूर लें, सहयोग की वजह से जो है आप निकल जाएं, ऐसा मुझे दिखता है। परेशान हैं तो मित्रों से बात करें, मित्रों से। अच्छा, मित्रों का मतलब क्या, तो मित्रों का मतलब ये नहीं कि जिनसे हाय बाय होती किसी से भी बात कर लिया। मित्र किस्मत से मिलते हैं कई बार,
और परम मित्र तो भगवान ही देते हैं, किस्मत क्या कहूं, भगवान ही देते हैं, परम मित्र तो भगवान ही दे सकते हैं। तो यदि कोई परम मित्र है तो बड़े भाग्यवान हैं आप, बहुत कम लोगों के परम मित्र होते हैं। और सामान्य मित्र भी हैं जो सामान्यतः आपको जो है अच्छे सलाह देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से आप जरा सलाह लें, क्योंकि उनसे ली गई सलाह आपको ज्यादा उपयोगी होगी इस समय। ये एक बात मुझे यहाँ पर दिखती है। सफलता के निसंदेह योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के निसंदेह योग बनते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। आपको आपके बिजनेस में और नौकरी में और व्यवसाय में खासतौर पर मुझे यहाँ पर आपके लाभ दिखता है। धन के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से मुझे स्पेशल मुख्यतः आपका लाभ बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, और सलाह लेकर के यदि कोई कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा तो वो आपको और ज्यादा सफलता दिलवाएगा। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि शुभ समाचार किसी प्रकार से आपको मिलने वाला है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिले, और निसंदेह जब शुभ समाचार मिलता है तो क्या होता है, मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, उत्साह बनता है, उत्साह बढ़ता है, घर परिवार खुश होता है। तो शुभ समाचार मिलने वाला है। अब देखिए, आप जिस लायक हैं, जिस इच्छुक हैं, उस प्रकार का शुभ समाचार मिल सकता है। जैसे आप हो सकता है इंटरव्यू दे करके आए हैं तो आपको कॉल लेटर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। हो सकता है संतान के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, ब्लड रिपोर्ट दी आपने सैंपल के लिए, कहीं गई हुई है, वहां से रिपोर्ट आने वाली है। शुभ समाचार मिलने वाला है, अच्छी खबर मिलने वाली है, ये बात आप जरूर से ध्यान रखें। रुके हुए कार्य यहां पर आपके पूरे होंगे। लंबे वक्त से कोई कार्य टल रहे थे, रुक रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, यहां पर मुझे पूरे होते हुए नजर आते हैं। पहले से चल रही भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम, देखिए परिश्रम तो खैर करना पड़ेगा, लेकिन एक अत्यधिक परिश्रम होता है। एक ऐसी बात होती है कि हम कुछ ज्यादा ही कर, कई बार होता है कि एक ही काम किसी एक इंसान को करने में 1 घंटा लगता है, वही काम दूसरे इंसान को करने में 1 पूरा दिन लग जाता है। कोई कोई तो वो 1 दिन में भी काम नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते। तो मेहनत, कर्म और भाग्य दोनों काम करते हैं। तो यहां पर जो है आपका रुका हुआ जो कार्य था, या पहले आपने कहीं कार्य छोड़ दिया था, वो यहां पर पूर्ण पूरा होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भाग दौड़ तो खैर रहेगी, मेहनत तो रहेगी, लेकिन ऐसी मेहनत जिससे आपको मिले, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। तो सिंह राशि के लिए तो कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, उन्नति का। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो देखिए, कन्या राशि को एक मुझे यहां पर दिक्कत आपके लिए बनती हुई नजर क्या आई, कहीं ना कहीं आपको मतभेद का सामना करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स का, विरोध का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कई बार होता है कि मान के चले आप किसी से शादी करना चाहते हैं, मान के चले आप कोई एक स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, कोई एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और ये विरोध जो हो वो पारिवारिक या अपनों का विरोध हो, तो ऐसा मुझे दिखता है। अब भाई दूसरों के विरोध का कौन ध्यान रखता है आजकल, पारिवारिक विरोध ही कई बार परेशान करता है। तो वैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। अब मेरा देखो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि परिवार आपका विरोध कर रहा है तो आप भी जो है वो लड़ भिड़ लो, नहीं, आप समझाइए आप कि ऐसा क्यों। यदि आपके पेरेंट्स उस जगह होते तो वो उस जगह वही करते जो आप कर रहे हैं। अच्छा, आपको सही भी होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी, कोई कोई व्यक्ति जो है वो बियर बार शराब के ठेके पर जाना चाहता है तो उसका विरोध हो रहा है, तो वो समझाने बैठ जाए कि आप भी ऐसा ही करते, तो ऐसी बात भी नहीं है। जो सही है सही,
यदि आपको लग रहा है कि सही चीज का विरोध हो रहा है और आप पहले तो खुद से पूछ लीजिए, क्या ये मेरे लिए या मेरे समाज के लिए अच्छी बात है? क्या इससे मेरा फायदा है, मेरे समाज का फायदा है? चलिए समाज का फायदा ना भी हो तो कम से कम समाज का नुकसान तो नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं। यदि ये आप पूछते हैं और आपको यदि इसका उत्तर मिलता है कि नहीं, कोई समाज को कोई नुकसान नहीं है लेकिन आपको फायदा है और समाज को भी फायदा, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो बिल्कुल जो है वो आप सही रास्ते पर हैं और उस कार्य में आगे आपको बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव इस समय आपको सता सकता है आज, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। हाँ, खर्चे ज़्यादा बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा मुझे ऐसी कोई समस्या बड़ी बनती हुई आपके लिए नजर नहीं आती। तो पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है लेकिन प्रोफेशनली, आर्थिक तौर पर, ऑफिशियली मुझे कोई प्रॉब्लम, परेशानी बनती हुई नजर नहीं आती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी ऐसी कोई खास समस्या नहीं। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी और हो सकता है कि बदले में उतना ना मिले या कम मिले। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है। मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं तो इस बात का भी जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर पेट, पेट का निचला हिस्सा, छाती संबंधी समस्याएं। अच्छा, कोरोना भी आ रहा है भारत में। कोरोना तो चलो ठीक है, ओमिक्रॉन, कोरोना तो हमेशा था, है और रहेगा भी, ओमिक्रॉन आ रहा है। तो वैसे तो हम सभी को ध्यान रखना है लेकिन चूंकि आपके लिए मुझे हेल्थ इश्यूज यहां पर बनते हुए पढ़ते हुए नजर आते, तुला राशि के लिए स्पेशली कहूंगा। और चूंकि छाती संबंधी समस्या, अभी ये कोरोना क्या करता है, COVID-19 जब से आया आपने वेरिएंट से इसने चेंज किया, क्या किया, छाती पे हम किया, फेफड़ों पे हम किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हम किया। तो थोड़ा सा अपना ध्यान आपको इस बीच में रखना पड़ेगा। आपके लिए मैं एक बार अच्छी जरूर कह सकता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए मजबूत रहेगा और कहीं ना कहीं आप आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति करें, ऐसा जरूर मुझे दिखता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपकी उन्नति हो, यह जरूर से श्रम अधिक होगा लेकिन काम काज में आपकी उन्नति होगी, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। अब मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग जब होता है तो घर परिवार में जो है वो भगदौड़ भी होती है, उत्साह भी होता है, खुशी उल्लास भी होता है, गेट टुगेदर भी होता है, खर्चे भी होते हैं। तो खर्चों पर संयम बरतने का प्रयास करें, खर्चों पर संयम बरते, बिल्कुल एंजॉय करें। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ एंजॉय ऐसे होते हैं जो आगे चल के तकलीफ में डाल देते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की और बंदिश रखने की जरूरत है। फिजूल के खर्चों पर, खर्चे मतलब फिजूल के खर्चे, सीधी बात है, चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारना है आपको, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, बस इतनी सी बात, क्योंकि खर्चों के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। यात्राओं के योग भी हैं वृश्चिक राशि के लिए और यात्राएं तो खैर आपके लिए अच्छी रहेगी, यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, यात्राएं आपको जो है वो आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। मन में कहीं ना कहीं डर या नर्वसनेस या भय आपके हो सकता है, आपको ये लगेगा अचानक से पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी डर लग रहा है या भय लग रहा है या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस डर का, इस भय का, इस नर्वसनेस का, इस चिंता का, इस तनाव का, ऐसी स्थितियां भी आपको हो सकती है। तो ये एक बात है, लेकिन मेडिटेशन करिए, अच्छे साहित्य पढ़िए,
धर्म के ग्रंथ पढ़िए तो डर भय जो है वो पूरी तरह से आपका खत्म होगा। आर्थिक आय के दृष्टिकोण से आय में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम प्रॉपर होगी, खर्चे का दिक्कत है, खर्चों पर जरा संयम बरतना है, अन्यथा सारी चीजें ठीक है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यदि कहीं आप कोई कोई योजना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई योजना बना करके रखे जिसे आप जमीनी स्तर जमीनी रूप दे रहे हैं, बाधाएं आपको आएंगी। कई बार होता है हम कोई कार्य करते हैं इजीली हो जाता है, कई बार होता है हम कोई कार्य करते हैं बहुत सारी बाधाएं आती है, तो ये वक्त बाधाओं के आने का है। लेकिन आपको सफलताएं भी मिले ऐसा भी दिखता है, तनाव मिले, भागदौड़ मिले, परिश्रम मिले ऐसा भी दिखता है, लेकिन उसके बदले में आपको सफलता भी मिले ऐसा भी दिखता है। आप जो देंगे बदले में उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी इवन आपको मिलेगा। तो मैं तो आपसे यहां पर यह कह सकता हूं कि यदि बाधाएं आपको आती है, मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तो करना भी पड़ता भी है, तो चिंता नहीं करना है, अंत में आपकी जीत है, आपकी सफलता है, आपकी उन्नति है। पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, यदि आपके राशि धनु है तो पारिवारिक वाद विवाद हो, पारिवारिक मतभेद हो, पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स हो, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिस पर आपको संयम बरतने की जरूरत है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा होगा, मजबूत होगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यदि यात्राएं आप कर रहे हैं तो इस समय आपको टालना चाहिए। कुछ राशियों के लिए मैंने कहा है कि यात्राओं के योग बनते हैं और यात्राएं आप करिए, जैसे वृषभ राशि के लिए कहा, वृश्चिक राशि के लिए कहा, लेकिन आपके लिए, आपकी राशि यदि मकर है तो मैं कहूंगा कि यात्राएं आपको टालनी चाहिए, ये वक्त यात्राओं के करने का नहीं है, और खुद व्हीकल चला करके बाहर जाएं ऐसा वक्त नहीं है। थोड़ा अपना ध्यान रखें, सड़क दुर्घटना या फिर यातायात के जो नियम है उनका जरूर से ध्यान रखें, उनका जरूर से पालन करें, फॉलो करें उन्हें। हाँ, एक बात जरूर है कि आप यदि पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको यहां पर जरूर से फायदा देखने को मिलेगा। पारिवारिक तौर पर आपको सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार के बढ़ने के योग भी हैं। बढ़ने का मतलब यदि संतान के इच्छुक हैं या विवाह के इच्छुक हैं कोई भी घर परिवार में, तो ये खुशखबर आपको सुनने को मिल सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा अपने यातायात नियमों का पालन करिए, खुद व्हीकल चला करके कहीं दूर जा रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएं, अच्छे आने वाले वीक का इंतजार करें, और यदि जाना जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा, खास तौर पर जो जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यदि कोई आपको शत्रु कहे, कॉम्पिटिटर्स कह सकते, कॉम्पिटिटर्स भी शत्रु है, तो यदि कहीं आपको कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे थे या फिर किसी प्रकार से कोई शत्रु भी हो सकते हैं, भाई जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटर्स ही परेशान करते हैं, कई सारे लोग होते हैं, आजकल तो शायद कम हो गया है, हो सकता है कहीं जगहों पर चलता भी हो, पहले बड़ा चलता था, हफ्ता लेने आते थे कुछ लोग, हफ्ता गुंडे लोग आते थे, तो इस प्रकार से यदि कोई परेशान कर रहा है, कोई शत्रु है आपका, तो यहां पर वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आती है, कॉम्पिटिटर्स पर विजय होगी। और कॉम्पिटिटर्स पर विजय होने का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है आप नंबर बनाएंगे, आप अच्छा अपना एक आइकॉन बना पाएंगे, आप अपनी एक अच्छी जगह बना पाएंगे, आप अच्छी प्रतिष्ठा बना पाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, फिजूल का तनाव आपको सता सकता है, फिजूल के तनाव से जरा बचकर रहने की आपको जरूरत है, अन्यथा आपकी सफलताओं का यह वक्त है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपका आपको साथ मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो भी आपके लिए उन्नति के ही योग है, लेकिन फिजूल का तनाव, फिजूल की चिंता, फिजूल का डर, फिजूल का भय, ये आपको हो सकता है जिसे आपको निकालना है, अन्यथा सारी स्थिति आपकी अच्छी है, मजबूत है, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की अब बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि
कहीं निवेश करना चाह रहे हैं यदि आप शेयर मार्केट, भूमि में या मकान में या फिर किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, निवेश का अच्छा मुनाफा अच्छा लाभ दिलवाने वाला है। एक बस बात मैं आपसे कहूंगा, उसका ध्यान आप रख लीजिएगा, यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन से कहीं ना कहीं मुझे कष्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, केवल इस बात का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ बहुत आपको मिलने वाला है, पारिवारिक सहयोग आपको यहां पर मिलने वाला है, दोस्त नए बन सकते हैं, रिश्तेदार नए बन सकते हैं और यदि मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य के योग भी मुझे यहाँ पर आपके घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं और निसंदेह इस वजह से कहीं ना कहीं सुख होगा या खुशी होगी या उत्साह होगा ये कह सकते हैं। फिर कह रहा हूं वाहन से कष्ट दिखता है, उस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना चाहिए, या चलते फिरते चोट लग जाए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, केवल ये एक बात का ध्यान रखें। यदि नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं तो भी मुझे यहां पर आपका लाभ, आपकी उन्नति, आपको वाहवाही मिले ऐसा दिखता है, तो इस दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक में आय के दृष्टिकोण से अच्छा है, खर्च आपके आपके साथ ज्यादा हो सकता है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों को कंट्रोल करें, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो ये जो सप्ताह है, वर्ष 2022 का पहला सप्ताह जो है ये कैसा जाने वाला है, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल आपका क्या होने वाला है। यदि आपको बात समझ में आती है तो कमेंट करके और लाइक करके बताएं कि समझ में आई है, पसंद आई है, और कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो भी बता दें, क्योंकि वीडियो आखिरकार आप ही के लिए बन रहा है, मेरे लिए तो नहीं बना रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं अलग से एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।